अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। सो बेटा, कल जो कि मैंने 30 एमसीक्यूज की एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें इशू ये आया कि एडिटिंग के वक्त, यानी मैं दो पार्ट्स को मैंने कंबाइन करना था। असल में बैंडिकैम सिर्फ 10 मिनट्स की वीडियो को रिकॉर्ड करता है, तो जो 10 मिनट्स का पार्ट था वो प्लस सेकेंड पार्ट, मैंने दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन में हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, जिसकी वजह से वीडियो में सेकेंड पार्ट ऐड नहीं हो सका और मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और दोबारा रिकॉर्ड क्यों करना पड़ रहा है, इसका रीज़न ये है कि मैं जैसे जैसे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करने के बाद फ़ौरन डिलीट कर देता हूँ अपने पीसी से। सही है, तो चलें खैर कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। मे बी हम एमसीक्यूज नंबर 14 पर थे, जो फर्स्ट पार्ट में एंड हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन लाइट, तो ये बेटा स्टार आएगा इसका ऑप्शन। इट स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको करेक्ट आंसर भी बता दिए। आई होप आपको पहला वाला पार्ट भी बहुत पसंद आया होगा। आपको एक चीज शेयर करता जाऊं कि जितने भी एमसीक्यूज इस वीडियो में शेयर किए जा रहे हैं या फर्स्ट पार्ट में किए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट पार्ट में किए हैं सेकंड पार्ट में, बट द डिफरेंस इज और द पॉइंट इज कि आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस 30 एमसीक्यूज। उनमें से 30 एमसीक्यूज में से भी मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताए और साथ में कुछ जो एडिशनल चीजें बताने की कोशिश की है वो आप याद रखिएगा। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज के साथ मैं आपको एक चीज शेयर कर दूं कि आपने मेरी दो वीडियोस देखनी है। एक वीडियो जिसमें मैंने करेंसी के बारे में बताया हुआ है, पाकिस्तान की करेंसी 50 रुपीज की बैक साइड पर क्या, किसकी पिक्चर है, इसी तरह और भी चीजें मैंने जो बताई हुई है। लेट से मैंने, मुझे अभी याद आ रहा है, नेशनल फूड, नेशनल एनिमल, नेशनल ड्रेस, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम चीजें आप, ये वाली वीडियो भी देखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अच्छा जी, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजीज UNHCR इज लोकेटेड इन, तो गिनेवा। सही है, इतना ही पॉइंट नहीं है, बट देखो कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। सही है, और इसी तरह की दो तीन और इंस्टीट्यूशन थे जो कि मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे, तो खैर वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा वो। हाउ मेनी कलर्स इन द नेम ऑफ गूगल, फोर कलर्स हैं बेटा, फोर कलर्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सही है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। एमसीक्यू नंबर 18 हमारे कंप्लीट होगा, 19 पर आ जाए। 19 पर आने से पहले इसको रिमूव कर लें जरा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 19, क्या द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, 37 डिग्री सेल्सियस। बेटा आप ये आप बोलेंगे सर इसमें क्या जनरल नॉलेज है, बेटा ये जनरल साइंस से आया हुआ है, जनरल साइंस से, तो आपका जो जनरल नॉलेज आती है वो जनरल साइंस से भी आती है, और जनरल करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, जो करंट चीजें और पास्ट नॉलेज और साइंस, साइंस की भी नॉलेज होती है उसमें। उसमें साइंस की नॉलेज में आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, सही है, जो बायोमेडिकल रिलेटेड होती हैं, बट ऐसी होती हैं जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। सही है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर बेस्ड होती है, ये भी हर इंसान को नॉर्मली नॉर्मल इंसान को पता होती है। सो हु इज अ डीजी सर्विस इंटेलिजेंस, तो ये है अपना लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। मेरे ख्याल से ये चेक कर लीजिएगा, कन्फर्म कीजिएगा कि यही है, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज आई थी कि चेंज हुए हैं, तो अगर चेंज हुए हैं तो फिर ऑब्वियसली नया नाम आ गया होगा कोई, लेकिन अगर ये चेंज नहीं हुए तो फिर आपने यही नाम याद रखना है। लेकिन ये नाम बिल्कुल ऑप्शन सही है, लेकिन ये मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने न्यूज में देखा था कि ये चेंज हो गए थे, इनका नाम चेंज किया गया था। आमिर जाकर डाइड ऑन 9 जून 2022, दैट इज टू इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात यह है कि आमिर जाकर की डेट ऑफ डेथ क्यों पूछी जाएगी, ऐसी चीजें तो याद नहीं रहती सर। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डेट रिलेटेड एमसीक्यूज कम आते हैं बट कम आते हैं, तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि फेमस स्कॉलर, फेमस पॉलिटिशियन, फेमस एंटरटेनमेंट और फेमस इस तरह की कोई भी अपनी पर्सनालिटी रिलेटेड कुछ आपको ट्रिक्स देकर, कुछ आपको आपको जो है ना हिंट्स देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस 9 जून 2022 में उसकी डेथ हुई और उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको कुछ हिंट्स दी जा सकती है। वो फेवरेट पर्सन, वो स्कॉलर भी है, पॉलिटिशियन भी है, एक्टर भी है, इंटरटेनमेंट भी करता है, तो वो कौन था, तो ऑब्वियसली वो आमिर लियाकत है। सही है, तो इस तरह से आपको एमसीक्यू दिया जा सकता है, दैट इज टू इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको लिख लो, उसको याद कर लो और लिख लो कि ये आने वाला है, कंफर्म्ड एमसीक्यूज है, सी है। पिक्चर ऑफ द विच पर्सनालिटी इज वन ऑफ द इज ऑन द 75 रुपीज नोट इशूड बाय द स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, 75 रुपीज के ऊपर किसकी पिक्चर है, मोहम्मद अली जिना की, फातिमा जिना की, इलामा इकबाल या सर सैयद अहमद खान की, सबकी है, चारों की पिक्चर है, मोहम्मद अली जिना की भी है, फातिमा जिना की भी है, इलामा इकबाल की भी है, सर सैयद अहमद खान की भी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बार बार ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आपने जो मैं कंफर्म कहता जा रहा हूँ, आपने उसको अच्छे से नोट डाउन करना है, उनको करना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान पर जो अटैक हुआ था वो कहाँ हुआ है,
और वो ये चीज पूछी जा सकती है, तो एमसीक्यूज आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इमरान खान वाज अटैक्ड, वजीरिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हो सकता है आपसे डेट ना पूछा, आपसे पूछ सकता है इमरान खान पे अटैक कहाँ हुआ। एफ एट एफ रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, एम लिख रहा हूँ। और जिसके आगे सी लिखा है वो तो फिर नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, मार्कोर। मैं आपको एक और चीज भी इन्फॉर्म कर दूं, बार बार कह रहा हूँ, मेरी वो वीडियो लास्ट में देखना जिसमें मैंने नेशनल थिंग्स, नेशनल एनिमल्स, नेशनल फूड, नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल ड्रेस सबके बारे में बताया हुआ है। तकरीबन 8 मिनट की अगर मैक्सिमम वीडियो होगी, वो देख लोगे, आपकी उनमें से एक एमसीक्यू आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, सही है। बकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, ये चीजें आ जाती हैं, सही है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछ लिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ है ना, तो हो सकता है वो पूछ लिया जाए। इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ स्काई वुड बी, हाँ भाई बताओ बच्चों कि क्या होगा, नन ऑफ दिस, सही है, ना येलो होगा, ना ब्लू होगा, ना ऑरेंज होगा। हु इज द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 90% चांसेस हैं कि आ जाए, एलन मस्क। गूगल का भी देख लीजिएगा, गूगल का आ नहीं सकता क्योंकि वो तो काफी टाइम से एक ही है, इंडियन है, तो वो देख लीजिएगा। पर भी अच्छा, रिसेंटली एलन मस्क ने बहुत सारे इंडियंस को फायर भी कर दिया, तो ये भी चीज आपके जहन में होगी। खैर वो आ तो नहीं सकती, बट ये कि ये सीईओ पूछ सकता है वो आपसे, आपका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, यूनेस्को का, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ सकता है, और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना, सार का हेडक्वार्टर कहाँ है, सार की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो ये चीजें जहन में रखिए और इनको अच्छे से करो। द शॉर्टर डे ऑफ द ईयर इज, आई डोंट कन्फर्म, आई एम नॉट श्योर कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है ये इसका बी है, बट आप देख कंफर्म कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, 100% श्योर कि इसका आंसर क्या होगा, तो यू हैव टू सर्च ऑन इंटरनेट एंड देन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। द बिगेस्ट प्लैनर्स इज, बिगेस्ट प्लैनर्स की बात हो रही है, तो आई थिंक इसका भी कंफर्म नहीं है, यू हैव टू सर्च ऑन गूगल एंड राइट डाउन द करेक्ट आंसर थ्रू ऑन कमेंट बॉक्स, सही है, राइट डाउन द करेक्ट आंसर थ्रू कमेंट बॉक्स, और आई एम नॉट श्योर, वरना मैं आपको बिल्कुल आंसर बता देता। अब बात ये है कि यार ये जो क्वेश्चन सर आपने बताए हैं, ये क्या वाकई में आ जाएंगे, बच्चे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, हालांकि वीडियो में भी कहा है बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फिर भी बच्चे पूछेंगे। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, 30 एमसीक्यूज बताए, 30 में से इंशाल्लाह 8 से 10 कन्फर्म्ड एमसीक्यूज हैं। इवन मैंने आपको चीजें भी बताई हैं कि बेटा क्यों कंफर्म्ड है, बता भी रहा हूँ कि भाई आपसे पूछ सकता है रिसेंट आप जो करंट आर्मी चीफ है उसका नाम क्या है, सही है, आर्मी चीफ ने ऑथ कब लिया ये पूछ सकता है, इमरान खान पे अटैक कब हुआ ये पूछ सकता है, गूगल के टोटल कलर्स कितने हैं नेम में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, और जो परेशान होने टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, दुआएं पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, बड़ों की दुआएं लें, और टेस्ट में अपेयर हो जाए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और बाकी डिपार्टमेंट जहां पर भी आपका डिपार्टमेंट है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जिस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपका टेस्ट है, कोई मसले वाली बात नहीं है, दूर है, करीब है, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, वो आपको गाइड करेंगे, शटल चल रही होंगी उस दिन, आपको पहुंचाया जाएगा, आप पैदल नहीं चल के जाओगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, शटल्स चल रही होंगी आपके लिए, अवेलेबल होंगी उस दिन। शटल्स क्या होती हैं, कराची यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करेगी, शटल होती है कि 6 से 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बिठा के डिफरेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचा देती हैं, तो आपको पैदल चलने वाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो टेंशन ले रहे हैं और कंफ्यूज हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है यार, आसान होता टेस्ट, अपने ऊपर बिलीव रखो, तैयारी करते रहो, रिविजन करते रहो, पास्ट पेपर्स को देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाली वीडियोज को देखो, कहीं भी मिलनी है, चैनल पर मिले, कहीं भी मिले देखो, और अपनी तैयारी 100% करो, अपना 100% करके आओ, बाकी अल्लाह ताला इज द बेस्ट प्लानर, इंशाल्लाह यू विल अचीव सक्सेस। All best of luck, guys. Allah Hafiz.